you very much. With the ceremony on the gala event. Huge round of applause for the mayor. So you see the leader. देख करके एडवेंचर के लिए ड्रग्स को प्लीज कभी भी ना लें।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त, आपके घर वाले कोई भी ले रहे हैं, तो प्लीज उसको अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को, किसी को भी इन्फॉर्म जरूर करें कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा ड्रग्स ले रहा है। आगे उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या क्या निशानियां होती हैं कि आपको पता चले कि आपके घर में या आपके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं, कोई भी बताएगा? अगर आपको फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि कोई आपका भाई, दोस्त कोई भी ड्रग्स ले रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वहां के आपको बताएगा तो नहीं कि वो ड्रग्स ले रहा है, उसकी क्या क्या निशानी होगी, कोई भी बताएगा? कोई बताएगा? बिल्कुल सही, वो अलोन रहना पसंद करेगा, वो अपने दोस्त यार के बीच को छोड़ देगा, वो अकेला अकेला रहेगा। बहुत अच्छा। दूसरी बात, बिल्कुल उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो बहुत सोएगा, देर से उठेगा, देर से सोएगा और अपने दोस्त यारों से अलग रहेगा, घर वालों से भी बात नहीं करेगा। तीसरा, उसके खाने पीने की हैबिट भी चेंज हो जाएगी, उसके आंखों में रेडनेस आएगी, वो हमेशा इरिटेटेड रहेगा, वो जो चीज करता था अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट थी वो म्यूजिक का इंटरेस्ट छोड़ देगा, अगर उसको खेलने में इंटरेस्ट था वो खेलने का इंटरेस्ट छोड़ देगा। ठीक है, तो ये घर में रहने वाले भाई बहनों का काम है कि वो नोटिस करें कि उनके भाई बहन कहीं इसमें तो नहीं जा रहे हैं। घर में जो पेरेंट्स है उनका ये काम है कि वो देखें कि बच्चे कहीं उनके इसमें तो नहीं जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो सबसे पहला ये काम नहीं है कि मारपीट करें उनके साथ। ठीक है, काउंसलिंग करें, डॉक्टर के पास ले जाएं और जो भी मेडिकल एड चाहिए वो दें। ड्रग्स का जो है अभी यहाँ पे प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब पुलिस, सिटीजन, आम आदमी सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। ठीक है, आप लोग सारे प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद जब भी आपको ड्रग्स का कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा आप अपने टीचर को दोगे, आप अपने पेरेंट्स को दोगे। ठीक है, और आपको कोई भी ऐसा आदमी लगता है जो ये सही जगह पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, प्लीज आप उसको ये इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे स्कीम्स के बारे में बताए हैं, अभी आप लोग बच्चे हो इसीलिए स्कीम्स के आई थिंक इम्पोर्टेंस आप नहीं समझ पाओगे, बट फिर भी आई थिंक आप लोगों ने कुछ दिया है इन्हें रिटर्न में, आप वो ले जाके अपने पास रखना। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि गांव में कोई गरीब आदमी है जिसको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, पैसे नहीं है उसके पास, प्लीज ये स्कीम्स उसके साथ शेयर करो, किसी की लाइफ बच सकती है। एंड आप लोग सारे एजुकेटेड लोग हो तो अपने गांव में आप लोग ये स्कीम्स और ये सब चीज़ों के बारे में, अच्छी बातों के बारे में बताना, अवेयरनेस फैलाना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, ऐसा हुआ है बहुत बार जब कोई स्कीम के बारे में जाते हैं गाँव में बताने के लिए, जस्ट बिकॉज अवेयरनेस नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आशा वर्कर्स होंगे इसमें, कोविड के टाइम पे ऐसा बहुत हुआ था जब उसके वैक्सीन के लिए जा रहे थे, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि बहुत लोगों को डॉक्टर्स को मार के भगाया जा रहा था। तो ये सब तब होता है जब अवेयरनेस नहीं है। तो आप लोग एजुकेटेड लोग हो, आप लोग की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पढ़ो अच्छी चीज़ों के बारे में, स्कीम्स के बारे में, मेडिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि अपने गांव में जरूरतमंद लोग हैं प्लीज उनको आप ये चीजें शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।